तो हेलो गाइस, मैं हूं करण। मेरे चैनल में दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप अपने सब्सक्राइबर को कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे अनहाइड कर सकते हैं, यानी आपके चैनल को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो आप छुपाना चाहते हैं और या फिर दिखाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर भी क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को चले जाना है क्रोम ब्राउज़र पे। आप लोग को सिंपली क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे कोने पे 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, यानी जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को नीचे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर टिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद आप लोग के यहाँ सर्च बार में टाइप करना है YouTube.com। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे YouTube.com सर्च करेंगे तो आप लोग के यहाँ पे जैसे नॉर्मली खुल के आता था वैसे खुल के नहीं आएगा। जैसे आप लैपटॉप या PC में देखते हैं खुल के आता है YouTube, वैसे खुल के आएगा सेम। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग के यहाँ पे कोने पे जो आपकी फ़ोटो दिखाई दे रही होगी आप लोग को सिंपली इस पर क्लिक कर देना, जो आपके चैनल का आइकन होगा आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद योर चैनल पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे योर चैनल पे क्लिक करते हैं आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करते हैं आपके पास फिर से दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस आएगा उसके बाद दोस्तों आप लोग को नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद दोस्तों आप लोग के यहाँ पे सेटिंग का आइकन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, कई सारे ऑप्शन आएंगे। तो इसमें दोस्तों आप लोग को जो सेकंड वाला है चैनल, उस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे दोस्तों चैनल पर क्लिक करेंगे, चैनल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग के यहाँ पे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को नीचे चले जाना है। जैसे दोस्तों आप लोग नीचे जाएंगे आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइबर काउंट। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा टिक हो रखा है, यानी अगर मैंने टिक कर रखा है तो मेरा जो सब्सक्राइबर है वो शो हो रहे होंगे। मेरे जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा या जो भी मेरे चैनल को खोल के देखेगा वहाँ पर मेरे जो सब्सक्राइबर है शो होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अनटिक कर देता हूँ, अनटिक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर सेव कर दिया। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर अनटिक करने के बाद सेव करते हैं तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हाइड हो जाएंगे, यानी जो हमारे चैनल पे जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किए होंगे वो किसी को शो नहीं होंगे। ऐसे करके दोस्तों आप लोग जो है अपने सब्सक्राइबर हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे दोस्तों नीचे सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद दोस्तों एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद दोस्तों आप लोग को नीचे चले जाना है, सॉरी चैनल में जाना है दोस्तों, गलत टिक हो गया था। चैनल में जाना है दोस्तों, चैनल में जाने के बाद एडवांस सेटिंग पे जाना है। एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों आप लोग को नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मैंने भी अनटिक कर दिया, यानी जो मेरे चैनल हैं वो हाइड हो चुके हैं। जितने भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर होंगे वो किसी को शो नहीं होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो शो हों, तो मैं इस पर फिर से टिक करके दोबारा यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो अब जो मेरे सब्सक्राइबर है दोस्तों वो सभी लोग को शो होंगे। तो ऐसा करके दोस्तों आप जो है अपने सब्सक्राइबर हाइड और अनहाइड कर सकते हैं अपने चैनल का। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को ज़रूर मिल जाए। और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।